नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 1 जनवरी 2021 है। आज वर्ष 2021 का पहला दिन है। इसकी शुरुआत पूरे देश में जोश और जश्न के साथ हो गया। द न्यूज 9X की ओर से हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप आज संकल्प लें और देश तथा अपने समाज को बेहतर बनाने की योजना बनाएं। आपसे एक और आग्रह है कि आप वर्ष 2020 की सारी दुखदायी बातें भूल जाएं और नए साल में अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का एक बार और संकल्प लें। देश और समाज को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसका मशवरा आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासनिक स्तर के अफसरों का तबादला किया गया है। आपको बता दें कि 38 IPS और 29 IAS ऑफिसरों का तबादला हुआ है। वहीं 4 कमिश्नर और 4 DIG, 2 IG, 9 ADG और 1 DG तबादले की लिस्ट में हैं। गृह सचिव IAS अधिकारी के सेंथिल बनाए गए हैं। इस बीच बता दें कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया है। जानते हैं किस जिले में DM कौन बने हैं। पटना के DM चंद्रशेखर सिंह, जमुई के DM अवनीश कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर के DM प्रणव कुमार, अरवल के DM जे प्रियदर्शनी, शिवहर के DM सज्जन आर, मधेपुरा के DM श्याम विहारी मीना, भागलपुर के DM सुब्रत कुमार सेन, कैमूर के DM नवदीप शुक्ला, गोपालगंज के DM नवल किशोर चौधरी, सासाराम के DM धर्मेंद्र कुमार, मधुबनी के DM अमित कुमार, सारण के DM डी नीलेश रामचंद्र बनाए गए हैं। इस बीच आपको बताते चले कि तकनीकी निदेशक उद्योग विभाग में पंकज दीक्षित, अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग रविशंकर चौधरी, वन विभाग के संयुक्त सचिव वर्षा सिंह बनाए गए हैं। अब जान लेते हैं उन IPS ऑफिसर्स के बारे में जो जिले के SP बनाए गए हैं। शिवहर के SP संजय भारती को बनाया गया है। उसी तरह सहरसा के SP लिपि सिंह, पूर्णिया के SP दया शंकर, छपरा के SP संतोष कुमार, कार्तिकीय शर्मा को शेखपुरा का SP बनाया गया है। भागलपुर SP के रूप में सुशांत कुमार सरोज, वहीं भागलपुर SSP नताशा गुड़िया को बनाया गया है। गोपालगंज के SP आनंद कुमार, गया के SSP अजीत कुमार बनाए गए हैं। कैमूर के SP राजेश कुमार, रोहतास के SP आशीष भारती, नालंदा के SP हरि प्रसाद यस को बनाया गया है। उधर नवादा के SP के पद पर धूरत शियाली को भेजा गया है। अब जानते हैं कि IG और DIG के बारे में। मुंगेर में DIG शफीउल हक, कार्मिक DIG रंजीत मिश्र, मनु महाराज को छपरा का DIG और पूर्णिया का IG सुरेश प्रसाद चौधरी को बनाया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाके में नए साल के अवसर पर चुनाव की भी चर्चा जोरों पर है। हम भी आ जाते हैं इसी चर्चा पर। आपको बता दें कि इस बार EVM से चुनाव होना है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि निर्धारण के लिए विचार विमर्श कर रहा है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में 8 दिनों से ज़्यादा प्रचार प्रसार का समय नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ विचार चल रहा है कि चुनाव में प्रतीक चिन्ह आवंटन के बाद 10 दिनों के अंदर ही चुनाव करा लिए जाएं। ऐसा इसलिए कि पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो बैलेट पेपर की छपाई में 1 महीना का समय लग जाता था, लेकिन इस बार EVM से चुनाव होंगे तो सब कुछ जल्दबाजी में हो जाएगा। औरंगाबाद में एक खलिहान में आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि खलिहान में एक बच्ची के साथ खेल रहा उसका 1.5 साल का भाई जलकर भस्म हो गया। यह घटना अरई गांव में घटी बताई जाती है। आरा के श्रीनगर में एक स्कॉर्पियो की चपेट में बहादुर राम नामक एक युवक की मौत हो गई। वह धंडीहा गांव का निवासी है। बताया गया कि मृतक अपने ससुराल भकुड़ा गया था। रात में खाना खाकर सड़क पर टहल रहा था। बालू खनन लाइसेंस के लिए अब खनन प्राधिकारी के पास आवेदन नहीं बल्कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा।
खान एवं भूतत्व विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। बेतिया के महुआ गांव में 11 वर्षीय साहेब अंसारी की हत्या गला रेत कर दी गई। बताया गया कि साहेब बुधवार को खेलने गया था, वह रात भर गायब रहा। गुरुवार को उसकी लाश मिली। लाश मिलने से खलबली मच गई। पुलिस जांच कर रही है। नए साल से घर घर स्मार्ट मीटर लग जाएगा। अभी यह बिहार के राजधानी पटना में बतौर अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके बाद सूबे के सभी शहरों में इसे लागू किया जाएगा। इसमें एडवांस राशि जमा करानी होगी। बिहार के समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रामपुरा ढाला के समीप शराब पीने से मना करने पर एक युवक को शराब पी रहे अपराधी ने गोली मार दी। मृतक का नाम देवीलाल महतो बताया गया। कटिहार जिले के SH-77 पर एक युवक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। मृतक बाइक पर सवार था, उसे ऑटो ने जोरदार ठोकर मार दी। उसका नाम श्याम मंडल बताया गया, वह कोशकीपुर का था। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब 4 मई से होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। पूर्णिया शहर के कृष्णापुरी के सौरभ की हत्या पीट पीट कर दी गई। कहा जा रहा है कि यह घटना गुरुवार शाम की है। लोग बता रहे हैं कि नए साल के आगमन की पूर्व संध्या युवकों की टोली पुराना हवाई अड्डा फील्ड में जमा हुआ था। बिहार बंगाल सीमा से सटे पूर्णिया जिले के दालकोला चेक पोस्ट पर 53 लीटर शराब के साथ 22 पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अब जान लेते हैं मौसम के बारे में। बिहार में मौसम 2 दिनों तक साफ रहेगा, मगर कनकनी बरकरार रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ जारी है। 3 जनवरी को बादल छाने और बूंदाबूंदी के आसार पूर्वानुमान में बताए गए हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।